ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है डायग्राम बना के हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन थ्री टाइप्स ऑफ मसल। तो थ्री टाइप ऑफ मसल ये मैंने आपको डायग्राम से समझा रखा है, आप और बुक्स वगैरह में देख सकते हो अच्छे से। तो डायग्राम आपका यही है। तो ये वाला जो है, ये पहला वाला जो है, ये होता है आपका स्ट्राइटेड मसल। स्ट्राइटेड ये क्या, इसमें क्या मल्टी, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, मल्टी न्यूक्लियस, ये सारे न्यूक्लियस हैं, ये न्यूक्लियस, और साथ में इसमें से ऐसे स्ट्राइप्स होते हैं, स्ट्राइप्स, इसलिए तो बोलते हैं इसको स्ट्राइटेड। स्ट्राइटेड मतलब स्ट्राइप्स, ये धारियां धारियां है ना, ये होती है, और ये अनब्रांच्ड होता है। उसके बाद दूसरा ये है, ये होता है आपका स्मूथ टिश्यू में, स्मूथ टिश्यू में इसमें क्या होता है, स्पिंडल शेप होती है। स्पिंडल शेप मतलब ऐसे ये मोटा है और ऐसे एंड में ऐसा पॉइंटी है, देख रहे हो ना, एंड में पॉइंटी है, ऐसे मोटा है और एंड में पॉइंटी, ठीक है, और इसमें कोई स्ट्राइशन नहीं होती, यानी इसमें कोई धारियां वारियां नहीं होती, कोई स्ट्राइशन नहीं है। और तीसरा ये कार्डियक, ये सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है, ये सिलेंड्रिकल होता है और आपका हार्ट में पाया जाता है ये, तो इसको इसको बोलते हैं कार्डियक मसल टिश्यू, कार्डियक टिश्यू, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग हैं, इसको बोलते हैं स्ट्राइटेड टिश्यू, इसको बोलते हैं स्मूथ टिश्यू, या फिर अनस्ट्राइटेड भी बोलते हैं इसको, अनस्ट्राइटेड, क्योंकि इसमें कोई धारियां नहीं ना, और ये स्पिंडल शेप होता है, ये सिलेंड्रिकल शेप होता है, और ये भी सिलेंड्रिकल शेप होता है, पर इसमें ऐसे ब्रांच होती है, तो कहते हैं ब्रांच्ड, ब्रांच्ड सिलेंड्रिकल बोलते हैं इसको, ब्रांच्ड, देख रहे हो ना आप, ऐसे ब्रांचेस निकल रही है इसकी, कार्डियक वाले की। अच्छा जी, इनके फंक्शन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, अभी सिर्फ डायग्राम पूछा है, फिर भी मैंने बहुत सारी चीज बता दी, एक बार और रिपीट कर लो। ये होता है सिलेंड्रिकल, और ये इसमें मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, देखो ये जो ग्रीन है ना, ये सब न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है सारे, ये सब न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये मल्टी न्यूक्लियस होता है, मैं फंक्शन भी बताता जा रहा हूँ साइड साइड, फंक्शन मतलब इनकी जो, इसमें तो सिर्फ डायग्राम पूछा ना क्वेश्चन में, मैं आपको डिफरेंस बताता जा रहा हूँ कि इसमें देखो मल्टी न्यूक्लियस होता है, इसमें क्या होता है, इसमें यूनि न्यूक्लियट होता है, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, देखो एक स्पिंडल है ये, इसमें एक ही न्यूक्लियस है, ये एक स्पिंडल है, इसमें एक ही न्यूक्लियस है, ये एक स्पिंडल है, एक न्यूक्लियस। स्पिंडल शेप मतलब पता है ऐसी शेप, ऐसे बीच में से मोटा और ऐसे एंड में ऐसे पॉइंटी, इस शेप को बोलते हैं स्पिंडल, ठीक है, बीच में से मोटा और ऐसे एंड में जाके पॉइंटेड सा हो जाए, ठीक है। तो स्पिंडल शेप होते हैं, ये होता है स्मूथ मसल टिश्यू में होता है, और इसमें कोई स्ट्राइट नहीं होती, स्ट्राइटेड मतलब ऐसी धारियां वारियां नहीं होती जैसे इसमें, तो इसलिए इसको स्मूथ टिश्यू भी बोल सकते हैं, या अनस्ट्राइटेड टिश्यू भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, और ये थर्ड वाला कौन सा है, ये वाला, इसमें क्या है, इसमें धारियां होती है पर बहुत फेंटेड होती है, तो इसलिए बना ही नहीं मैंने, वो दिखती नहीं है। तो अगर पूछे कि फेंटेड स्ट्राइप होती है, तो ये कार्डियक टिश्यू होता है, सिर्फ हार्ट में पाया जाता है, और ये इसकी डिजाइन ये होती है कि भाई ये देखो इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप देखो सेल, अगर देखो आप इसमें, तो सेल ये भी यूनि न्यूक्लियट होता है, ये देखो ये एक सिलेंडर है, एक ही सेल है, ये एक सिलेंडर एक ही सेल है, यहाँ पर एक सिलेंडर है, तो यहाँ पर भी ये दो सिलेंडर है, ऐसे ब्रांचेस निकल रही, इसलिए दो सेल है, ठीक है, और ये वाला सेल यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों है, डायग्राम से ऐसे देख लो, बुक में और देख लेना, बाकी आइडिया आपको हो ही गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंबी हो गई वीडियो।